इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है उसको प्रमोट कैसे करें, बूस्ट कैसे करें, बूस्ट पोस्ट कैसे करें जिससे आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इतनी सारी मैंने पोस्ट को बूस्ट किया हो और कम पैसे में किया हो। अगर आप ऐसे टाइप में करते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे तरीके से करूँगा तो 100% यानी वर्किंग रहेगी। और यहाँ पर एक चीज सबको प्रॉब्लम आती है बूस्ट करने में कि भैया ऐड जब फन करते हम तो वहां पर भी हमको प्रॉब्लम बहुत खतरनाक आती है, यानी मीन्स ऐड ही नहीं हो पाता है वो फंड। कैसे करेगा, सबसे पहले आपको चले जाना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। अब ये वाले पोस्ट को मैं बूस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके हर फोटो के नीचे बूस्ट पोस्ट करके आता है, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका गोल रहता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। गोल यहाँ पर क्या दे रहा है, मोर मैसेजेस, मोर विजिट प्रोफाइल, मोर वेबसाइट विजिट। तो यहाँ पर मोर मैसेजेस में क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस, अगर इसको प्रॉपरली आप सेट कर लेते हो तो आपके जितने पैसे लगेंगे, जैसे 200 रुपये लगेंगे ऑटोमेटिक में, आपको यहाँ पर 100 रुपये में काम हो जाएगा, यानी आधा परसेंट यानी डिक्रीज हो जाता है और उतने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँचती है। तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस का ऑप्शन दिया, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, स्पेशल कैटेगरी है तो बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद रहती है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कैसी है, आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंस्टाग्राम आपकी जो पोस्ट है आपकी प्रोफाइल है लोगों को दिखाएगा। आप कहाँ पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं पता रहता, तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा पैसे लगते हैं। और जैसे यहाँ पर क्रिएट यूअर ओवन का ऑप्शन दिया, इस पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, इससे आपको पैसे कम लगेंगे और ज्यादा लोगों के पास आपकी जो पोस्ट है बूस्ट होते रहेगी। तो क्रिएट ओवन में क्लिक किया आपने, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑडियंस नेम लिखना कंपलसरी होता है, यानी सिंपली आपका जो एड है उसका कैंपेन यानी उसका नाम रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला नाम रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लोकेशन दिखाई दे, तो यहाँ पर लोकेशन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो रीजनल दिया है और लोकल दिया है। तो लोकल में क्या रेडियस सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रीजनल आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपको लोकल सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये जो बेसिकली एड है, मेरा होम टाउन है नागपुर, यहाँ पर सिंपली नागपुर सर्च किया, आप सर्च करने के बाद ये आ गया, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसी। और जैसे मैंने यहाँ पर सिटी या स्टेट या कंट्री सिलेक्ट किया तो ऊपर मैं बताएंगा कि भैया कितने से कितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचने वाला है, बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद ये वाला पेज खुलता है, यही वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज, यहाँ पर आपको बजट सिलेक्ट करना पड़ता है। बजट कैसी, यहाँ पर डेली कितने रुपए खर्चा होना चाहिए उस पोस्ट, यहाँ पर सबसे कम इतना बता रहा है, पहले 2022 में 80 रुपए कम से कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2023 में थोड़ा रेट बढ़ गया इसलिए यहाँ पर इतना कम से कम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नीचे ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में कैसा रहता है, सिंपली ये जो एड है इतने रुपए में कितने दिन चलना चाहिए, यानी 166 रुपए मैंने खर्च किया हो, अब 166 में कितने दिन तक चलना चाहिए, यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ऊपर में बता रहा है कि भैया आपका ये बजट के हिसाब से इतने लोगों तक ये जो आपका पोस्ट है रील है पहुंचेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसमें सब कोई बिचकते हैं और हर किसी से बिल्कुल भी नहीं होता, तो क्या बोलते हैं ऐड पेमेंट का मेथड। ऐड पेमेंट का मेथड यानी कैसे, आपके जितने भी रुपए यहाँ पर ऐड किए हो, यहाँ पर सबसे नीचे में बता रहा है कि भैया GST लगा के इतने रुपए आपको यहाँ पर स्पेंड करना है ये पोस्ट में, ठीक है, इतने रुपए ऐड हो जाएंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ऐड फंड पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यानी प्रमोट कर रहे हो कोई भी पोस्ट को या रील को, तो यहाँ पर ऐसे से होगा, तो सबसे पहले लोकेशन इंडिया से हो आप, इंडिया से प्रमोट कर रहे हो, फिर उसके बाद करेंसी इंडियन रुपीस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर उसके बाद जो पेमेंट है आपको ऐड किसके थ्रू करना है, UPI के थ्रू या Paytm के थ्रू या आपके डेबिट कार्ड के थ्रू, तो मैं यहाँ पर Paytm के थ्रू करता हूँ, तो Paytm के थ्रू करो बहुत जल्दी होता है। और हाँ, आपके पास Paytm अकाउंट नहीं है तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, 5 मिनट के अंदर आपका Paytm अकाउंट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर Paytm को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इस पे क्लिक करके ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर बेसिकली बहुत से लोग अटक जाते हैं, ऐसा वाला पेज खुलता है, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भैया पैन कार्ड डिटेल मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल नहीं मांगता है ज्यादातर केस में, डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो पैन कार्ड नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है सबसे पहले उसको टिक कर लेना। अब टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में बिजनेस नेम लिखना है, आपका जो नाम है सिंपली प्रॉपर वही लिखो जो आपका नाम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद एड्रेस डालना है, आप रहते क्या हो वही एड्रेस नीचे भी डाल देना, 1 और 2 में डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पर टाउन एंड सिटी, यानी टाउन यानी गांव, सिटी यानी शहर। फिर उसके बाद कंट्री रीजन का ऑप्शन दिया, इस पे क्लिक करके आपका जो स्टेट है, जैसे मेरा महाराष्ट्र है, आपका UP हो सकता है या तो मध्य प्रदेश हो सकता है, तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड जो आप जहाँ पर रहते हो उसका एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद सेव पे क्लिक करना। अब सेव पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर यानी पेमेंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग करते हैं लेकिन होता ही नहीं है पेमेंट ऐड। तो आपको यहाँ पर देखो 1000 दिख रहा है, आपको कितने पैसे ऐड करना है, वहाँ पर आपको टोटल बजट दिखाया था कि भैया इतने रुपए लगेंगे तो उतने ही रुपए ऐड करना है।
तो आपको क्या करना है, ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर उतने रुपए सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, 1000 को हटा के आप अपने मन से लिख सकते हो। उसके बाद जो पेमेंट है आपको ऐड किसके थ्रू करना है, UPI के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या आपके डेबिट कार्ड के थ्रू। तो मैं यहाँ पर पेटीएम के थ्रू करता हूँ, तो पेटीएम के थ्रू करो, वो जल्दी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे कहाँ, पेटीएम में। और जिसका डायरेक्ट नहीं खुलता है तो यहाँ पर फिर से ये वाला ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट खुल गया, स्टेप से कुछ खुलता है, सिंपली आपके पेटीएम अकाउंट में चले जाए, वहां पर सिंपली नंबर डालना है, आपको जितना पेमेंट करना है यहाँ पर कर देना, यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा तो इतना ही पेमेंट कर देना। अब यहाँ पर पेमेंट ऐड हो गया। अब यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया रहता है, इस पे क्लिक करके आपका जो पोस्ट है पोस्ट हो जाएगा, बहुत से लोगों के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप से ये मैसेज आता है, तो यहाँ पर 24 घंटे भी लग सकते हैं आपके ऐड को रिव्यू होने के लिए। ठीक है, तुरंत में आपने प्रमोट किए तो तुरंत में नहीं होता, 24 घंटे के आसपास लग जाते हैं। वो जो इंस्टाग्राम की जो टीम है आपकी जो पोस्ट है जो रील है उसको पहले देखती है, फिर उसके बाद आपको हरी झंडी मिलती है और आपका ऐड रन होने लगता है। तो ऐड रन कैसी होता है, कैसी दिखाई देता है ऐड रन हो रहा है कि नहीं, तो इसका भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरा हो गया था 1 से 2 घंटे के अंदर, तो 1 से 2 घंटे से ऊपर नहीं लगता अगर आपका सब कुछ सही है। तो आपने ओके पे जैसे क्लिक किया तो आपका ये जो बैनर है इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पेंडिंग अप्रूवल लिख के दिखाई दे रहा है, जब तक का अप्रूवल नहीं मिलेगा वहाँ से इसका जो ऐड है वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो इस टाइप से कुछ बताता है, करेंटली बूस्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऐड है वो रन हो रहा है, बहुत से लोगों के पास पहुंच रहा है, आपका बिजनेस वहाँ पहुंच रहा है। अब इसके बाद की प्रोसीजर क्या रहती है, आपको आपके ऐड कैंपेन में कैसी नजर रखनी है, आपको पूरी फुल डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे, आई बटन में देख लेना या तो एंड स्क्रीन में आ रहे होंगे उस पर क्लिक करके देख लेना। तो ऐसी वीडियो के लिए सिंपली लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ।